दोस्तों अभी हमारे पास खेबर गाड़ी मौजूद है, 98 का ये मॉडल है। दोस्तों अभी हमारे पास 2004 के मॉडल की एक और गाड़ी मौजूद है। दोस्तों अभी हमारे पास खेबर गाड़ी मौजूद है, 98 का ये मॉडल है। जैसे कि मैं बता रहा था कि मुझे काफी भाई लोग कमेंट कर रहे थे खैबर एफएक्स मेहरान तीनों गाड़ियों पे फोकस करें जमाल भाई, तो ये खैबर गाड़ी हमारे पास मौजूद है, 98 का ये मॉडल है। और आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप लोगों को जैसे कि गाड़ी के टायर वगैरह मैं दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के टायर की कंडीशन देख लें। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के भी टायर दिखा देता हूँ भाई, आप गाड़ी के पीछे के टायर की कंडीशन देख लें। और बात करें गाड़ी के बैक लुक की, तो आप लोग गाड़ी के बैक की भी कंडीशन देख लें भाई, बैक से भी हमें गाड़ी काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी का ड्राइवर साइड देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर दिखा देता हूँ, डोर से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है भाई। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सीट्स वगैरह देख लें भाई, सीट्स अभी हमें गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है भाई, जैसे कि आप लोग गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के भी डोर दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के पीछे के डोर देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें गाड़ी के पीछे वाले सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर दिखा देता हूँ, डोर तो अभी हम बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। और बात करें गाड़ी के मेन की पट्टी की, तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी देख लें, और बैटरी वगैरह देख लें, बैटरी की कंडीशन कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 33 नंबर वगैरह जो भी होते हैं, और कुप्पे वगैरह देख लें आप लोग गाड़ी के। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है, समीर भाई मौजूद है, समीर भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। 98 के मॉडल की खबर गाड़ी जो हमारे साथ मौजूद है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, तो भाई से तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। समीर भाई गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दिएगा। सर ये 98 की सुजुकी स्विफ्ट है, इंजन अपना है इसका, गियर चेंज है, सुजुकी स्विफ्ट का ही गियर चेंज है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर करी हुई है ये गाड़ी, फाइल वगैरह हर चीज़ क्लियर है, इसकी CPLC में आवाज़ है, नो पार्किंग की अभी क्लियर है, इसकी डिमांड भी बहुत कम है, 380 डिमांड है, 370 में ये दे देगी, 380 डिमांड है, 370 में ये गाड़ी दे देगी, 370 में दे देंगे, थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लेंगे अगर कोई हमारा भाई प्यार सा कोऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें खर्चा मैंने खुद कराया हुआ, इसमें साउंड सिस्टम लगाया है, एम्ब्रॉयड पैनल लगाया हुआ, रिम डाले हुए, सेंटर लॉकिंग है, हर चीज़ परफेक्ट है, ये भी घर के लिए बेस्ट गाड़ी है, अंदर से पूरी ओरिजिनल है, बाहर से शावर कराएंगे। इंजन अपना गाड़ी का? इंजन अपना है। सस्पेंशन वगैरह में ओके ओके परफेक्ट है, गियर शिफ्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। 1 लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? सर इसका एवरेज तो बहुत जबरदस्त है, ये भी तकरीबन 16-17 का एवरेज देती है, एसी इसका ऑन नहीं है, सामान पूरा लगा हुआ है, बगैर एसी के देती है 16-17 का एवरेज। ठीक है, डिमांड आपने बता दी है। और आपका नाम समीर, नंबर भाई का आ रहा होगा, दोबारा नंबर बता दें। 03186424995। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी हमारे पास 2004 के मॉडल की एक और गाड़ी मौजूद है, और अभी आप लोगों को गाड़ी की कंडीशन में दिखा देता हूं, भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अभी आप लोगों को गाड़ी के टायर भी दिखा देता हूँ भाई, गाड़ी के टायर की कंडीशन देख लें। और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ, और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं बैक की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। अच्छा बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी का ड्राइवर साइड यहाँ से पूरा देख सकते हैं। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं साइड लुक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, साइड से बहाने गाड़ी कैसे रखी हुई है। जब बात करें गाड़ी के साइड की, तो आप लोग गाड़ी के साइड लुक की भी कंडीशन देख लें भाई, साइड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन और काफ़ी साफ कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। और डोर में आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, अंदर से डोर बहाने गाड़ी कैसे रखे हुए हैं। तो बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर की कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को सही से गाड़ी के डोर दिखा दूँ। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। और सीटों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की सीट्स की कंडीशन देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की भी डोर दिखा देता हूँ, पीछे से बहाने गाड़ी कैसे रखी हुई है। तो पीछे वाले डोरों की बात करें, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख लें,
कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बाइक सीट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गाड़ी की सीट्स देख लें। सीट से भी हमें गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन और काफी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है भाई। और बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। और बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, अभी आप लोगों को बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। मेन की पट्टी वगैरह देख लें आप लोग और बैटरी वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ऐसा लग रहा है इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है भाई बता रहे हैं। और कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंजन रूम आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का। तो अभी मैं आपको गाड़ी का बोनट भी दिखा देता हूँ, गाड़ी के बोनट की भी कंडीशन देख लें। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। बढ़ चुके हैं हम लोग गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। आप गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन देख लें, ये डिग्गी की कंडीशन है भाई आपके सामने। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहा है। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह तआला करम दुआ। भाई जान गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? भाई जान सिटी है 2004 की, पेपर वगैरह हर चीज गाड़ी क्लियर है, ठीक है, इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सिविल से टैक्स क्लियर है, हर चीज पेपर वगैरह क्लियर है गाड़ी के। बाहर से गाड़ी शावर, अंदर से पूरी जेन्युइन है, अंदर से जेन्युइन है, बाहर से शावर है, एसी वगैरह वर्किंग में है, एसी चिल, एसी सस्पेंशन वगैरह ओके, ठीक हो गया। मुस्कुरा रहे हैं आप भाई, जा सारे आपको ना वो जो पीछे खड़ा है, ठीक हुआ। अच्छा पेट्रोल सीजी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पर? नहीं थ्रू पेट्रोल है। एक लीटर में कितना देरी हुआ अंदाजा? यार एक लीटर पे 13 है, 13 दे आती है, 12-13 है। बात करें गाड़ी की डिमांड की तो डिमांड क्या रखी है? 13 लाख रुपए डिमांड है। 13 लाख, कमी बेची थोड़ी बहुत हमारे भाइयों के लिए, सब्सक्राइबर जो हमारे भाई, बिल्कुल थोड़ी बहुत हो जाएगी, हो जाएगी। अपना नंबर शेयर कर दिएगा ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। 03252839946। आपका नाम? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद भाई लोकेशन गांगी, गाड़ी कहाँ मिल सकती है? ये गुलशान जोर ब्लॉक 7 में। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुल भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आती है या गाड़ी के बारे में कोई तफसील वगैरह चाहिए, भाई को कॉल करके डिटेल वगैरह ले सकते हैं। शुक्रिया।